मुद्दसिम जब घर वापस आता है तो हया माँ बेगम से झगड़ रही होती है और कहती है, माँ बेगम आप जानती थी कि मीरा भी शादी नहीं करना चाहती थी, वो इस शादी से बिल्कुल भी राजी नहीं थी, फिर भी आपने मेरा हक उसे दिया है। मैं मुद्दसिम से बचपन से मोहब्बत करती हूँ। माँ बेगम हया को कहती है, मान लो मेरी बात, वो मीरब को नहीं भुला सकता है, कभी भी नहीं, अब नहीं वो जगह देगा तुम्हें जो मीरब की है। हया कहती है, नहीं माँ, जो मेरी जगह है वो मुद्दसिम मुझे देगा, अब तो वैसे भी मीरब किसी और लड़की के साथ भाग चुकी है। बेगम हया की सारी बातें मुद्दसिम दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुन लेता है और हया के सामने आकर कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। मुद्दसिम की ये बात सुनकर माँ बेगम कहती है कि हमारा तो मुंह बंद करवा रहे हो और किस किस का मुंह बंद करवाओगे, पूरा जमाना जानता है हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं जानता है। मुद्दसिम माँ बेगम की ये बात सुनकर एकदम से भड़क जाता है और कहते हैं, अब मैं मीरब के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहकर मुद्दसिम गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है।